नमस्कार, आज हम आए हैं मन कामेश्वर मंदिर, जहां हम जानेंगे कि शिवरात्रि को लेकर लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं। महाशिवरात्रि है तो इसके मौके पे आपकी क्या तैयारियां चल रही है इसको लेकर? हमारी क्या, जितने भी लोग महाशिवरात्रि का व्रत रह रहे होंगे वो सभी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि महाशिवरात्रि पे हम लोग बहुत सारी तैयारियों में, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, मतलब फल फ्रूट्स वगैरह खरीदना, और व्रत के दिन हम लोग मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं कि हाँ निराजली रहना है या खा पी के रहना है, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा फूल की डेकोरेशन की, शिव जी को श्रृंगार कैसे करना है, क्योंकि घर पे बेसिकली हम लोग पहले श्रृंगार करते हैं, तो घर पे वो श्रृंगार पूजा पाठ करके फिर हम लोग मंदिर जाते हैं। और मंदिर में, यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि उस दिन मतलब यहाँ पर ना प्राचीन मंदिर है और हमारी जो मनोकामना होती है वो यहाँ पूरी ज़रूर होती है। आपने अपना फास्ट रखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट रखना है अभी हमको। और जो मन्नत है, आपकी मन्नत है कोई नहीं रिलेटेड, कुछ बताइए हमको। मन्नत से रिलेटेड बताई नहीं जाती है, वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन हाँ ये है कि आप कुछ भी सोच के शिवरात्रि पे, या फिर आप मतलब कुछ भी सोच के व्रत रहते हैं तो वो शिव जी ने पूरी ज़रूर की है, और इसलिए हम शिवरात्रि का व्रत मतलब मैं स्पेशली बहुत। मन कामेश्वर मंदिर में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इतिहास इसका ये है कि जो भी मन्नत रखो वो पूरी हो जाती है, तो क्या आप मानती हैं इस बात? हाँ बिल्कुल मानते हैं, यहाँ मतलब हम क्या जितने भी श्रद्धालु आते हैं ना, आप किसी से भी बात करेंगे तो जिसकी भी जो भी मन्नत रही है वो शिव जी ने, भोलेनाथ ने पूरी ज़रूर की है। और इसीलिए जब भी परेशान होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सुकून सा मिलता है, जैसे लगता है ना कि बाबा जी ने सारी बातें सुन ली हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। महाशिवरात्रि के मौके पे आपकी क्या तैयारियां चल रही है? मैम ये हर साल लगभग 5-6 दिन पहले से हम लोग तैयारियां शुरू हो जाती है, आसपास की साफ सफाई की होती है, बहुत सारी और व्यवस्थाएं, भक्तों को सही सलामत और मतलब आसानी के साथ उनको दर्शन किया जा सके, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ पुल तक लाइन लगती है, उन भक्तों की तरह सुलभ और आसान दर्शन मिल सके, इसकी तैयारियों में हम लोग पूज्यमान दिव्यागिरि जी के दिव्य मार्गदर्शन में हम लोग कई लोग हैं, उसकी तैयारियाँ बहुत लंबे समय से करते चल रहे हैं। इस बार एक हमारी विशेष, कई बार इससे पहले हो चुका है, इस बार हमारा एक विशेष और कार्यक्रम है, जैसे सभी लोग भगवान भोलेनाथ के मतलब उस पर जो गंगा के जल से उसका जलाभिषेक करते हैं, हम लोग पिछले कई सालों से, पूज्यमान जी का निर्देश था, पिछले कई सालों से गोमती के जल से जलाभिषेक करते हैं। उद्देश्य केवल ये है कि गोमती जी से हम लखनऊ वालों की जीवनदायिनी है, तो हम लोग सुबह 4 बजे पहली जलाभिषेक भगवान भोले का गोमती के जल से करते हैं। तो मतलब तैयारियां काफी चल रही है नहीं, और आज रात से लेकर के मतलब कल रात तक लगातार तैयारियां चलती रहेंगी। उद्देश्य यही होता है कि हम जितने जो भक्त आते हैं यहाँ तक, लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, उनको आसानी के साथ और सरलता के साथ उनको दर्शन होते रहे, सबको दर्शन होते, इसीलिए हम लोग बहुत सारी मान जी की टीम है वो सब लगी रहती है, अभी थोड़ी देर बहुत सारे लोग आने वाले आते जाते हैं। चलिए ठीक है, आज मन कामेश्वर मंदिर में हैं हम लोग, तो आप बताइए कि इसका इतिहास से रिलेटेड आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये इतिहास ये है इसका कि इसको लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित किया गया था जी। और ये शनै शनै इसका कब, इसको पहले जो है जो यहाँ का इतिहास कहता है कि पहले इसको सर्राफा शिवाला के नाम से ये प्रसिद्ध था, और उन लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, पहले छोटा सा रहा होगा हजारों साल पहले जंगलों के बीचों बीच में, और इसके बाद इसको धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ, फिर धीरे धीरे जब लोग यहाँ आना शुरू हुए, आते तो बहुत पहले से थे, तो जब यहाँ आना शुरू हुए तो उनके मन की इच्छाएं थी, वो चिल्ला के नहीं कहते थे, वो मन में ही जो कहते थे उनका पूर्ण होता था, इसलिए इनका नाम मनकामेश्वर पड़ा। कि जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती, पूरी हो जाती हैं, और आज भी जैसे यहाँ पर कई सेवादार हैं, उसमें एक मैं भी एक अदना सा सेवादार हूँ, तो मुझको याद नहीं कि मैं कब से आता हूँ, इतना बड़ा था जब माताजी के साथ आता था, फिर खेल खेल में आने लगा, फिर लगन लगी, और यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं आपको, जैसे शिवरात्रि हुआ या सावन हुआ, तो जितना भी सेवादार है वो सब यहाँ एक दिन पहले, एक रात को पहले आ जाता है, और उसके बाद यहाँ की सेवा शुश्रूषा, और हम लोग क्या बस वो अपने उसमें देते हैं, उनका हम लोगों को दर्शन मिलता है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता है, और ये तो हम लोगों के लिए महापर्व है, बस इस हम लोग इन्हीं का इंतज़ार करते हैं, शिवरात्रि का या सावन का, जितना भी भोलेनाथ का जितना भी आपको भक्त मिलेगा या सेवादार मिलेगा, उसको बहुत सी चीज़ों से लगाव नहीं रहता, लेकिन वो शिवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है, और आप
मेरी ये इच्छा है कि एक बार वहाँ आप कैमरा ले जाएं, और ये बहुत अच्छा सौभाग्य है आज आप आए हैं यहाँ पे, और नंदी जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। हालांकि ये नंदी जी एक अंदर हैं, और ये नंदी जी का स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि नंदी जी का एक बार आप जरूर हो। महाशिवरात्रि के मौके पे क्या क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये तैयारियां एक दिन की नहीं है, महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं श्रीमान देवगिरी जी के सानिध्य में। और जो कल से यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाएगी रात से ही, जो पहली जो हम लोग जलाभिषेक करेंगे वो गोमती के जल से करेंगे, और यहाँ पे LED लगेगी और बहुत से भक्त भी लग जाएंगे, क्योंकि महिलाओं की जो लाइन होगी वो अलग होगी और पुरुषों की लाइन अलग होगी, और ये क्रम कल से लेकर परसों तक लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। और इस बार एक चीज़ और, हमारी एक मनकामेश्वर उपवन घाट पर आरती होती है, तो उसकी सदस्यता अभियान भी अब की बार हम लोग महाशिवरात्रि के दिन शुरू कर रहे हैं। अभी तक कोई भी सदस्यता अभियान शुरू नहीं की गई थी, जो लोग आते थे उनका ऐसे ही आगमन होता था, लेकिन अब इस महाशिवरात्रि से 18 तारीख से महाशिवरात्रि भोले बाबा के दरबार से ही उसकी सदस्यता शुरू की जा रही है, क्योंकि ये जो गोमती है वो हमारी जीवनदायिनी है लखनऊ के लिए, और महाराज जी ने जल है तो कल है मिशन का आरंभ इसी दिन से प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए ये शिवरात्रि विशेष होगी और इस दिन से हम लोग गोमती आरती की सदस्यता अभियान भी प्रारंभ कर रहे हैं। रामेश्वर मंदिर में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, आप क्या आशा लेके आई हैं यहाँ पे? ये मंदिर मतलब बहुत पुराना है, आशा क्या प्रार्थना करने आई हूँ, और व्रत भी आपका व्रत है? हाँ जी बिल्कुल। तो किस उसमें ज़्यादातर, क्योंकि ये शिव जी ने, पार्वती जी ने शिव जी के लिए रखा था ये व्रत, तो हाँ तो मैं भी रख रही हूँ किसी के लिए। तो हाँ बस यही, जो उन्होंने रखा था किसी के, पार्वती जी ने रखा था शिव जी के लिए, तो मैं भी सेम। ओके, तो आपकी क्या मतलब क्या तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ बताइए इसके बारे में थोड़ा। व्रत रखा जाता है और पूजा पाठ करी जाती है, देन हम लोग आते हैं, सब पूजा करते हैं। भीड़ अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, वहाँ से लाइन लगती है तो हम लोग मतलब अंदर ही नहीं आ पाते, 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम लोगों को वहीं लग जाते हैं, फिर इनके दर्शन मिलते हैं बहुत टाइम बाद। अगर मॉर्निंग से लोग मतलब 4 बजे से शुरू होते हैं और इवनिंग तक यहीं रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पे आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। शिवरात्रि के मौके पे हमारे घर पे एकदम फेस्टिवल जैसा वहाँ पे क्रिएट होता है, लाइटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, शिव जी का व्रत रखा जाता है, और इस शिवरात्रि वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। कम से कम 4 बजे के टाइम अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे। और महाकाल के आप रोज़ आते हैं यहाँ पे कि आज नहीं, जब भी अच्छा लगता है, जब भी यहाँ पे अच्छा लगता है कि चलो अभी जाना चाहिए शिव जी के पास, तो यहाँ चले आते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा मन उदास होता है या मेरा गार्जियंस भी नहीं रहते, तब भी हम अपना इंजॉय करने यहाँ आ जाते हैं। इनकी आरती देखने, आरती देखने ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छी आरती होती है, शाम की 8 या 8:30 की आरती होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी आरती होती है यहाँ पे, आरती इंजॉय करिएगा महाकाल की। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? अक्षरा सिंह। आपकी क्या तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी भी अच्छी है। आप व्रत रखेंगी? नहीं। आप व्रत नहीं रखेंगे? नहीं, हम नहीं रखते हैं। अच्छा, आप नहीं रखते, आप पूजा करने के लिए आई हैं। हाँ जी। शिवरात्रि के मौके पे आज आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत तो अच्छा लग रहा है। आज क्या तैयारियां आपकी चल रही है? हमारे घर में सब पूजा पाठ की सब तैयारियां चल रही हैं, शिवरात्रि के उस पे आके करेंगे हम लोग, सब बड़ा अच्छा लगे। तो आज आप मंदिर आई हैं तो कुछ आशा लेके आई होंगी कुछ मांगने के लिए, आपका व्रत है? नहीं, हमारा व्रत तो नहीं है, ईश्वर ने बिना मांगे हमें सब कुछ दिया है, बस केवल हमें पति नहीं है। आज मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे आरती करवाएगा, वो माना था उसने, तो आज अभी शुरू होने वाली, इसी उसमें हम लोग आए हैं सब। आरती को लेके क्या तैयारियाँ चल रही है? शिवरात्रि में हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हमें लग रहा है कि सुबह आप 4 बजे भी आएंगे तो करीब करीब लाइन आपको यहाँ 2 किलोमीटर से ऊपर की मिलेगी, तो यहाँ पर तो बस अभिषेक हो जाए, अभिषेक से ज़्यादा तो हो नहीं पाता है यहाँ पर।
तो विशेष पूजा हम लोग घर पर ही करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके आसपास, क्योंकि पंडित जी लोग की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है, तो इसके आसपास हम लोग फिर अपने घर पर ही रुद्राभिषेक कराते हैं और यहाँ जल अभिषेक करने के लिए ज़रूर आते हैं और फिर घर पर ही विशेष पूजा शादी और जो कीर्तन भजन होता है सब हम लोग करते हैं जी। अच्छा, तो आपका व्रत को लेके क्या कहना है कि इस शिवरात्रि को लेके कि क्या इसका मतलब है आपके लिए, क्या महत्व है इसका? सबसे बड़ी बात है कि इनर पीस जरूरी है। आप मटेरियल लेवल पर कितना भी प्रोग्रेस कर लें, सब कुछ कर लें, एक इनर पीस जरूरी है। और भगवान शिव जो हैं एक बड़ा सिंबल है कि उनकी पत्नी जो है पार्वती हैं, पहली पूजा उनकी माँ बेटे के रूप में होती हैं। और भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो जब जब समस्या आई है देवताओं पर, तो समस्या को हैंडल करने के लिए आगे आते हैं, चाहे विस्पान करना हो चाहे जो करना हो, मतलब उनके सुख के साथ ही कभी नहीं रहे हैं, हमेशा वो ज़रूरत पड़ने पर काम आए हैं और इसीलिए देवों के देव हैं, महादेव हैं। और एक तरह से देखा जाए तो देवों के देव खुद है वो, आदिशक्ति उनकी पत्नी हैं, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, कार्तिकेय उनके देवताओं के सेनापति हैं, यानी पूरी फैमिली ही एक तरह से कहा जाए तो देवताओं के अगर लेवल पर देखा जाए तो उनके लिए प्रोटेक्टर यही लोग हैं। तो इनकी पूजा तो भाई देवताओं को भी देवता हैं तो सबसे ज़रूरी है, सब हम व्रत रहते हैं। लेकिन वही बताए ना कि चूंकि देखिए भीड़ को लेकर के और प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो चाहकर भी आप यहाँ अगर चाहेंगे कि आप रुद्राभिषेक कर ले शिवरात्रि के दिन, चाहे किसी भी अच्छे मंदिर में कर ले, तो संभव नहीं हो पाता है। तो वो काम हम लोग घर पर करते हैं, व्रत और ये सब जो चीज़ें हैं, और यहाँ बस भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो जाए, इतना ही बहुत रहता है। महाशिवरात्रि की क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपके? देखिए, आप जिस जगह पे खड़ी हैं, ये जूना अखाड़ा के महंत की महंत परंपरा, अखाड़ा परंपरा के अनुसार स्थापित मंदिर है। बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही ऋषियों ने तप किया है। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर उनके तप का फल जो है लेने भगवान के शरण में आते हैं। हजार, आप लिखा हुआ भी देखेंगे आप, हजार साल का मंदिर है ये पुराना। बाकी शिव जी का ये बहुत बड़ा महोत्सव है। भगवान शिव आदि देवता हैं, सबसे प्रथम देवता हैं, आदि देवता हैं। माँ पार्वती से उनके मिलन का ये उत्सव है, जिसे हम लोग सारे शिव भक्त बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। सारे लखनऊ शहर की जहाँ तक बात है, सभी लोगों की कोशिश होती है कि मन कामेश्वर मंदिर में वो किसी भी तरह से जलाभिषेक जरूर करें, कैसे भी वो पहुँच के भगवान को जो है जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने का ही आज के दिन का महत्व है। बाकी शिव बहुत सरल देवता हैं, बहुत ही सरल हैं और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं शिव, तो इनकी पूजा बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, सबको ही अपना लेते हैं, शाकाहारी मांसाहारी देव दानव सब इनके भक्त हैं, इसलिए जो है इनकी सेवा, इनकी पूजा में आनंद ही आनंद है। चलिए, जो शिवरात्रि को लेके आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि इसका क्या महत्व होता है लोगों के जीवन में? देखिए, हर महीने के 13 के बाद एक दिन आता है जो हर महीने, जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं, और इस फागुन मास की ये शिवरात्रि, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, जो कि भगवान का बहुत बड़ा पर्व और महोत्सव है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भगवान शिव का माँ जगदम्बा पार्वती के साथ आज जो है पाणिग्रहण संस्कार हुआ था, और उसी परंपरा से हम लोग चले आए। वो हमारी आदि माता हैं और शिव हमारे आदि पिता हैं, इसलिए जो है हमारे लिए शिव भक्त के लिए शैव वैष्णव और शाक्त तीनों परंपराएं जो हैं भगवान शिव को मानती हैं, इनको मान्यता देती हैं। भगवान शंकराचार्य से लेके भगवान रामानंदाचार्य और सारे बड़े विद्वानों ने भगवान शिव की आराधना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी शिव की आराधना की है, जगह जगह उन्होंने लिखा, शिव दोही मम दास कहावा, शो नर मोहि सपनों नहीं भावा, जी रामेश्वर दर्शन करें बिन प्रयास भव सागर तरें। हर जगह पे भगवान शिव की महिमा को स्थापित किया गया है, चाहे वो वैष्णव हो और चाहे शाक्त हो, या मतलब यानी माता जी के उपासक हो, चाहे वैष्णव हो और भगवान विष्णु के उपासक हो, और चाहे शैव हो भगवान शिव के उपासक हो, सबने इनको आदिदेव माना है, महादेव माना है, इसलिए इनकी बहुत मतलब बड़ी मान्यता है। और महाशिवरात्रि की तो वर्ष में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका भक्तों के लिए। इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं अपने परिवार में, और हमारे जहाँ तक ख्याल है, मेरा तो ये जन्मदिन है हमारे मतलब निजी परिवार में, 50 साल से ये हड़ई थी, मतलब यानी हमारे किसी बाबा दादा की डेथ हो गई थी, तो इसके बाद बाबा ने खोला है, तो हमारे यहाँ तो बच्चा इसको मनाता है इंडिविजुअल अगर।
है, तो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। शिवरात्रि के मौके पे क्या क्या चढ़ाया जाता है शिव जी को? शिवरात्रि के मौके पे हम जो है विशेष तौर पे तो दूध, जल और इसके अलावा बेलपत्र और फूल और जो भी आपकी श्रद्धा हो उनको चला दिए। बेलपत्र वगैरह तो बहुत मस्ट होता है कि चढ़ाना ही चाहिए हर व्यक्ति को, और भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि आप क्या चढ़ाते हैं क्या नहीं चढ़ाते हैं, आप आके एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, समझ लीजिए आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पे बनने लगेगी। मैं तो लास्ट 3-4 साल से यहाँ डेली आ रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी, मेरी एज तो उतनी नहीं है जो मैं रोज़ मंदिर आऊँ, लेकिन मैं फिर भी आता हूँ, तो मैं रोज़ यही चाहूँगा कि आजकल जो नए लड़के हैं बिल्कुल आएँ। एक ना एक जगह सुपर पावर से आदमी को कनेक्ट होना ही पड़ेगा, नहीं कनेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं मन में एक निराश रहेगा। हर चीज़ उसको सुपर पावर एक देना ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी ना किसी ईश्वर से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो परेशान होगा तो किससे मदद मांगेगा? सुपर पावर ही उसकी मदद कर पाएगी। वो शिव के रूप में भी हो सकते हैं, अल्लाह के रूप में भी हो सकते हैं, ईसाई के रूप में भी हो सकते हैं, किसी के भी रूप में हो सकते हैं, वही उसकी मदद करेंगे। जैसे बच्चे को चोट लगती है सबसे पहले अपनी माँ को बुलाता है, उसी तरह जैसे इंसान जब बड़ा होता जाता है तो उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम में जब भी फंसेगा तो उसको भगवान याद आने चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसलिए भगवान को तो मानना ही पड़ेगा एक ना एक दिन सभी को, मेरा मानना ये है, तो क्यों ना अभी से आप लोग एक्टिव। शिवरात्रि का क्या महत्व है आपके? मैं शिव की बहुत बड़ी आराधना होती है, हर आदमी चाहता है मनकामेश्वर मंदिर में आना, बहुत लंबी लाइन लगती है मनकामेश्वर मंदिर में जिस तरह से आप देखेंगे, और मनकामेश्वर मंदिर में सुबह ही से बल्कि कह सुबह कैसे कह रात से ही लाइन लग जाती है, और शाम तक यहाँ लोग दर्शन के लिए खड़े रहते हैं 2-2, 5-5 घंटे। मैं खुद 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइन में लगा हूँ ऑलरेडी। बहुत बड़ा महत्व है शिवरात्रि, शिव जी की शिव विवाह हुआ था उस दिन, तो बहुत जगह इससे ज़्यादा धूम से मनाया जाता है, लेकिन लखनऊ में विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा धूमधाम से यहाँ। अभी आप एक दिन पहले से ही देखने लगेंगे तो यहाँ आपको लगेगा एकदम जगमग हो रहा है, एकदम बारात की तरह जैसे सजाया जाता है एकदम वैसे ही डेकोरेट हो चुका होगा। आज हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के नी पार्षद, तो शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है मनकामेश्वर मंदिर में? महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको विशेष रूप से प्राइम टीवी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा मनकामेश्वर मंदिर जो कि लखनऊ का एक पौराणिक तथा प्रतिष्ठित मंदिर है, आपने उसकी जो भी आपने रिपोर्टिंग की है या उसको आपने तमाम जनता तक पहुंचाने का जो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी को लेकर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार एक निवर्तमान पार्षद होने के नाते जो जिम्मेदारियां मेरी हैं उसको मैं बखूबी निभा रहा हूं, जैसे कि हमारे मनकामेश्वर मंदिर से पहले ये मनकामेश्वर मंदिर द्वार बना हुआ है, तो मनकामेश्वर मंदिर द्वार की रंगाई पुताई उसके ऊपर श्रीमान हमारे गणेश जी महाराज विराजमान हैं, तो उनके पेंटिंग वगैरह इत्यादि का कार्य चल रहा है। क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य चल रहा है, जो बाहर से लोग आते हैं दर्शनार्थी आते हैं जो, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए उनका जो मार्ग है मंदिर तक जाने का जो मार्ग है वो सुगम हो, उस पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये सारे काम जो है लगातार हम सबके द्वारा किए जा रहे हैं। बताया है कि इस तरीके से ये तैयारियां चल लोगों को, मतलब जो श्रद्धालुगण आते हैं उनको कम से कम रास्ता सुगम मिले मंदिर तक पहुँचने का, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ठीक हो, पानी इत्यादि की व्यवस्था ठीक हो, ये सारी व्यवस्थाएँ हम सबके द्वारा की जा रही हैं। हमने लोगों से बात किया, जाना कि लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं शिवरात्रि को लेके। ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।